नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज की एक और खास खबर में। नैनीताल जिले में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है और कल देर रात से हुई भारी बारिश ने हल्द्वानी में भारी तबाही मचाई है। देवखड़ी नाले के उफान पर आने से सुरक्षा दीवार पूरी तरह से ध्वस्त हो गई और नाले का रुख आवासीय कॉलोनी की तरफ हो गया। वहीं लोगों के घरों में जल भराव हुआ, कई घरों में मलबा घुस गया। निजी स्कूलों की दो बसें मलबे में दब गई, फसलों को खासा नुकसान पहुंचा है। नुकसान का जायजा लेने नैनीताल से सांसद अजय भट्ट मौके पर पहुंचे। उन्होंने प्रभावित लोगों से बातचीत, वहीं लोग आक्रोशित नजर आए। सांसद अजय भट्ट ने कहा कि 25 करोड़ से अधिक की लागत से देवखड़ी नाले का ट्रीटमेंट किया जाएगा। फिलहाल कुछ प्रभावित परिवारों को मुआवजा दिया जा रहा है। उधर प्रभावित लोगों ने देवखड़ी नाले के स्थायी समाधान की मांग की। उन्होंने कहा कि पिछले 2-3 सालों से देवखड़ी नाले का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है, जिससे हर रात खौफ के साए में कट रही है। स्थिति तो बहुत खराब है। ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि कोई कैजुअल्टी नहीं हुई। लोगों ने घर खाली कर दिए, लोग भाग गए, जान बचाई, कोई तिमंजली में आ गया। अब इतनी बड़ी गाड़ी जब डूब गई मलबे में, आप देख रहे हैं सामने गाड़ियां डूब गई, एक गाड़ी नहीं 2-3 गाड़ियां डूबी हैं। अब इसके लिए परमानेंट क्योर करना बहुत आवश्यक है। पूरे नाले की, जो ऊपर का नाला है, उसकी डिसिल्टिंग करवाना और यहाँ से प्रपोजल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, आपदा की तरफ से स्टेट को, स्टेट से केंद्र को, करीब करीब 25 करोड़ का खर्चा इसमें भी है। जैसे उधर के नाले में 20-25 करोड़ रुपए का प्रपोजल गया था, वो लगभग स्वीकृत जैसा ही हो गया है रकसिया का, वैसे ही यहाँ का भी हम लोग प्रपोजल भेज रहे हैं। मेरी आज मेयर साहब से, अध्यक्ष जी से, सारे अपने कार्यकर्ताओं से भी बात हुई, जिलाधिकारी उनसे भी मैंने बात करी, शायद वो भी दौरा करें आज, साथ आने वाले थे। चूँकि मैंने बहुत जगह देखने जाना है इसलिए मैं पहले आ गया हूँ। इसमें जब 20-25 करोड़ का प्रोजेक्ट चालू हो जाएगा तो धीरे धीरे ऊपर से ही चेक डैम बनाते लाने पड़ेगा हमको, जो आगे के नाले हैं जहाँ से पानी आ रहा है, जिससे बड़े पत्थर गाद सारी उनमें भरते जाएगी, एकदम नुकसान नहीं होगा और पानी के बहाव में उतना बल भी नहीं रहेगा, बहुत क्षीण हो जाता है। पहले भी ये सिस्टम था, 9-10 साल पहले ये सिस्टम यहाँ पर बनाया गया था, उसके बाद से इसकी सफाई नहीं हुई। चूँकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने डिसिल्टिंग करने पर थोड़ा सा बैन लगाया हुआ है, तो उसका लॉजिक क्या है, कैसे खुलेगा, उसको आपदा प्रबंधन डिपार्टमेंट समझाएगा। जिलाधिकारी जिले की सर्वे सर्वा होते हैं तो वो इसको दिखाएंगे। ये प्रपोजल लगभग हम बनाने को तैयारी हैं, वैसे ही जैसे कि रकसिया का बनाया, वहाँ पर भी 20-25 करोड़ रुपए आके परमानेंट क्योर कर रहे हैं। क्योंकि बार बार यही होगा तो आने वाले दिनों में तो फिर आदत सी पड़ जाएगी और नुकसान ज़्यादा होगा, रास्ता खुल जाएगा। इसके लिए हम लोगों ने पूरी शिद्दत से नया इसका प्रोजेक्ट बना के, डिसिल्टिंग कैसे होगी उसका पूरा अपनी तरफ से केस बना के केंद्र को भेजना है, वहाँ से पैसा स्वीकृत अति शीघ्र हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, होता ही है। तत्काल राहत के लिए अभी अहेतुक राशि 5,000 रुपये सबको दे रहे हैं जिनके घरों में पानी भरा, जहाँ ज़्यादा गाद भर गई है उसको सरकार की तरफ से सारा साफ करा रहे हैं। जैसे इतने बड़े बोल्डर हैं, गाड़ियाँ फंस गई हैं, घरों के आगे दीवारें टूट गई हैं, तो उसको सरकार देख रही है, सरकार करेगी, सब लगा भी दिया है, आप देख रहे हैं JCP जगह जगह लगा दिए हैं। हाँ, काफी तेज जो बारिश है, लगभग 160 mm एक घंटे के अंदर बारिश हुई है और एकदम एक एरिया में ज्यादा पानी आने की वजह से ये जो नाला है हमारा आमपानी नाला, इसमें काफी मलबा और बोल्डर्स है तो उसकी कुछ दीवार क्षतिग्रस्त होने की वजह से आबादी की तरफ पानी भर गया। काफी लोग प्रभावित हुए हैं, लगभग 300-400 लोग हैं जिनके घरों में थोड़ा बहुत जो है पानी गया है। कुछ लोगों के घरों में ज्यादा नुकसान हुआ है जो बिल्कुल कॉर्नर में रहते हैं। तो हमारी जो टीमें हैं वो कल रात से ही यहाँ लगी हुई हैं, नगर निगम स्ट्रीट्स की सफाई करवा के वहाँ पर जो चूना छिड़काव वगैरह है वो सारी चीज़ें भी करवा रहा है, फॉगिंग वगैरह भी करा रहा है, और जो लोगों को जिनको हेल्प चाहिए अपने आंगन वगैरह क्लियर करने के लिए उसमें भी नगर निगम की टीमें मदद करा रही हैं। तहसील की टीमें जो नुकसान है उसका आकलन कर रही हैं। लगभग 100 लोगों को अभी रात से अभी तक सहायता राशि जो है वो बांटी जा चुकी है। हमारा यही कोशिश है कि आज रात तक या कल सुबह तक लगभग जो सभी प्रभावित हैं उन सबको सहायता राशि बच जाए।
और अन्य भी जो सुविधाएं हैं, जो भी राहत हम इस वक्त में दे सकते हैं लोगों को, वो देने का प्रयास किया जा रहा है। ये नाले के ट्रीटमेंट के लिए भी हम लोगों ने इसका जहाँ कैचमेंट है वहीं से इसको देखा। तीन नाले आते हैं, फॉरेस्ट एरिया है, रिजर्व फॉरेस्ट एरिया, तीनों एक जगह पर मिलते हैं। उसमें काफ़ी ऊपर जब पहाड़ों में बरसात होती है या बादल फटता है या ज़्यादा हैवी रेनफॉल होता है तो पानी काफ़ी बड़ी मात्रा में बोल्डर्स और मलबे के साथ आता है। ये नाला काफ़ी पुराना है और समय समय पर छोटे छोटे ट्रीटमेंट के काम इसमें होते रहते हैं। अभी बरसात से पहले भी कुछ चैनलाइजेशन और कुछ एरिया में दीवारें वगैरह इसमें बनाई गई थी, उन एरियाज में अभी इस बार सुरक्षित रहा है। जिन जो छूटे हुए एरियाज है उसमें कुछ डैमेजेस हुए हैं, तो उसका दीवार बनाने का काम भी वन विभाग ने शुरू कर दिया है। उसको भी हम लोग कवर कर लेंगे, अगले 3 से 4 दिनों में वो दीवार बनकर तैयार हो जाएगी। और इसके स्थायी ट्रीटमेंट के लिए भी अभी वन विभाग, सिंचाई और UUSDA की जो टीम है वो एक जॉइंट सर्वे, इनकी टेक्निकल कंसल्टेंसी कल आ जाएगी और मॉर्निंग से ये एक जॉइंट सर्वे कर लेंगे। इसमें लॉन्ग टर्म जो प्रोजेक्ट है ताकि इसका कोई स्थायी समाधान निकाला जा सके, इस नाले से जो पानी आता है उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। एक हफ्ते के अंदर अंदर इसकी DPR हम लोग कोशिश करेंगे कि प्रिपेयर हो जाए, गवर्नमेंट को सबमिट हो जाए, क्योंकि बेस्ट का क्षेत्र है। वहाँ किसी भी तरह का काम करने के लिए भारत सरकार के वन और पर्यावरण मंत्रालय से भी इसमें अनुमतियाँ लेनी होंगी, तो उसकी प्रोसेस भी शुरू करी जाएगी। छोटे छोटे थे सब डर गए, और किराए में है ना हमारे, हम तो ऊपर दुमंजिले में रहते हैं। 2009 में आए तब से प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं करी, उसके बाद पिछले साल भी आया, पिछले साल भी वही रहा। अब हमें आगे को डर हो गई ना, अपने जान उसकी जान माल की डर है। अब कोई किराए में भी रहे तो वो भी परेशान होगा कि हम कहाँ जाए क्या जाए। ये प्रशासन की टीम तो अब भी आई है, कह रहे हैं अब तो ठीक हो जाएगा। ये तो हमने कहा है उनसे भी ना, प्रशासन की टीम से भी कहा। अब बच्चे कह रहे हैं हम अपना कमरा बदल लेंगे, मतलब तो कहाँ कहाँ बदलेंगे, तो कहीं भी आ सकती है ना, आप हमारे वहीं नहीं आई, कहीं भी आ सकती है। तो इसके लिए भाई इतना ही हम कह सकते हैं। राहत जो मिली आपको उससे संतुष्ट हैं आप? अब संतुष्ट क्या है, अब ऐसा भागते भुगते कहीं लंगोटी आते वही है बस, उससे क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। अब सबको मिली थी तो हमने भी ले लिया। क्या होना चाहिए, समाधान क्या है? समाधान क्या है, वहाँ ऊपर जो है उसको सही करा जाए, समाधान यही। पैसे से कुछ नहीं होता है, होता है बताइए। अब सबने अपने जीवन की कमाई यहीं पर लगाई है, अपने अपने मकान बनाए हैं, सब इतने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं। मेरा हमारा मकान सबसे पहला है यहाँ पर, जब बना है ना तब यहाँ सारे इधर खेती करते थे लोग। एक हमारा हल्द्वानी समय संवाददाता दीपक अधिकारी की खास खबर। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए JJN News के साथ। नमस्कार।